अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैलकुलस चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 की एग्जांपल 37। 37 एग्जांपल में क्या रखा था, फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्कल आर इक्वल टू ए साइन थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू ए। क्या आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2a साइन थीटा और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है a, ठीक है, इनके दरमियान में आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। यानी कि इसको अगर हम ये फिगर देखें जी बुक में दी हुई है, मैं अगर इसको इधर बना के दिखा दूं तो एरिया फाइंड करना हमने, ये हमारे पास एक सर्कल है ठीक है, इसका एरिया आर इक्वल टू ए, ये नीचे जो माना हुआ है, ये मैंने शेयर नहीं किया हुआ, इसका एरिया सर्कल है, इसका रेडियस है आर इक्वल टू ए, इससे सेंटर से फिर मैंने ये सर्कल बनाया होगा, इसका रेडियस है आर इक्वल टू 2a साइन थीटा। हमने फाइंड करना है इस सर्कल का आउटसाइड वाला, सॉरी इनसाइड वाला और इस सर्कल के आउटसाइड वाला, इसका इनसाइड इसका आउटसाइड कौन सा होगा, ये वाला जो मैंने शेड किया होगा, ये हमने फाइंड करना है। ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस पूरे सर्कल में से मैं ये छोटे सर्कल को माइनस कर दूंगा तो हमारा एरिया आ जाएगा। पूरे सर्कल की इक्वेशन है ये 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा में से मैं a को माइनस करूंगा तो हमारा सर्कल का एरिया आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। लेकिन इस पोलर कर्व का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है जी 1/2a^2b आर स्क्वायर डी थीटा। इस आर स्क्वायर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, यानी दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड करना है ना, इस तरह फाइंड करेंगे, एक साइड का फाइंड करेंगे उसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल का आ जाएगा। तो बात लिमिट क्या जाती है, लिमिट फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, दोनों आर को इक्वल कर लेंगे, दोनों आर को इक्वल किया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, ये ए से कैंसिल, थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई पाई बाई 6 जो कि होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा या तो इधर से इस भी बन रहा है, या अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो इस इधर बन रहा है। हमने फाइंड करना है ये वाला एरिया। अब ये जो पी और क्यू मैंने लिखे हैं, ये लिखे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एक साइड का फाइंड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। पाई बाई 6 से शुरू करते यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा ठीक है। तो पाई बाई 6 से पाई बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 2 r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये a² इधर वाला और ये वाला कॉमन करेंगे बाहर आ जाएगा a² बाई 2, अंदर आ जाएगा 4 साइंस के थीटा के डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे 1 cos 2θ/2 हो जाएगा -1, ये 2 टाइम कैंसिल 4 से, बाकी आपके पास जो चीज़ बची जाएगी वो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस 1 में से माइनस कर दें तो 1 cos 2θ बन जाएगा। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, 1 का इंटीग्रेशन लेंगे तो थीटा आ जाएगी, 2 cos 2θ की इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 sin 2θ/2, ये 2 से कैंसिल ठीक है, बाकी आपके पास आ जाएगा a² / 2। फिर कॉमन करके इस पर लिमिट अप्लाई करें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, इधर लिमिट पुट करेंगे साइन 2 थीटा की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह लिखेंगे पाई बाई 6, ये 2 से कैंसिल, साइन पाई ये सारा जीरो हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, साइन हमारे पास आ जाएगा √3/2। अब आगे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा वन साइड का। टोटल एरिया फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 2 से मल्टीप्लाई होकर ये इससे कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, बाकी हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इस एरिया आ जाएगा इस सर्कल के आउटसाइड और इनसाइड का। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल नंबर 38 में हमारे पास क्या रहा है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द टू कर्व्स आर इक्वल टू 2 cos θ एंड आर इक्वल टू 6 cos θ। कहना है आपके पास 2 कॉमन कर्व है, उनका एरिया फाइंड करें। तो हमने फाइंड करना है जी एरिया, फाइंड द एरिया कॉमन टू द कर्व्स, 2 हमें कर्व्स दी गई हैं, दी गई आर इक्वल टू 2 + 2 cos θ। तो ये हमारे पास कार्डियोइड की है, किस तरह, अब देखें 2 + 2θ में अगर यहाँ से 2 कॉमन करता हूँ जी, 1 cos θ हो जाएगा। तो कार्डियोइड की हमने पीछे इक्वेशन पा रहे हैं वो a × 1 cos θ की फॉर्म में बन रहा है, यानी a की हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो इस a की जगह पे अब हमारे पास 2 आ गया, यानी कि ये जो 2 + 2 cos θ असल में ये कार्डियोइड की है, हमारे पास एक इक्वेशन है।
तो इसकी शेप तो हमारे पास ये कार्डियाई टाइप बनेगी, ये बन गई। अब ये हमारे पास सर्कल नुमा है आर इजिकल टू 6 cos θ, इसकी हमारे पास शेप ये सर्कल नुमा बनेगी। हमने क्या करना है, इनका कॉमन एरिया फाइंड करना है। अब कॉमन एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, दोनों कर्व को लिख लेता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया, अब ये जो हमारे पास पी है ना पॉइंट, ये पॉइंट है, ये उसी तरह पी और क्यू है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को एक बार आके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये निकाले हुए उन्होंने, ठीक है। अब हमने फाइंड करना, असल मकसद हमारा क्या है फाइंड करना। अब देखें दोनों को जब इक्वल रखेंगे हम तो आर इज इक्वल टू 6 cos θ, आर इज इक्वल टू 2 × 1 cos θ, दोनों को इक्वल रखेंगे आ जाएगा 6 cos θ 2 × 1 cos θ, 3 cos θ हो जाएगा 1 cos θ, ये cos θ उठा के तो ले आए, 3 cos θ माइनस cos θ इज इक्वल टू 1, 2 cos θ इज इक्वल टू 1, cos θ आ जाएगा 1/2, थीटा आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 1/2, तो थीटा आपके पास आ जाएगा π/3, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा π/3। तो π/3 हमारे पास कहाँ पे बनता है जी, ये इस पॉइंट पे बनता है, 60 एंगल हमारा बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, कॉमन एरिया फाइंड करना है। कॉमन एरिया जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे भी इधर बन रहा है, ये हमने जो कॉमन एरिया ये फाइंड करना है। अब किस तरह फाइंड होगा, एक दफ़ा तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके π/3 जो अभी हमने पॉइंट निकाला, फिर उस π/3 से दोबारा हम आगे अगले पॉइंट तक जाएंगे, जो हमारे पास क्या बनेगा वो π/2 बनेगा। वो π/2 हमारे पास पॉइंट, दो लिमिट्स बन जाएंगी। फर्स्ट जब हम ये वाला कार्डियाइड की इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला, दूसरी जब इक्वेशन यूज़ करेंगे वो हमारे पास दूसरी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों का स्केयर है, स्केयर लेके प्लस करेंगे, अब हमारे पास है कॉमन आर है, ठीक है। तो जब कॉमन की बात आएगी ना उस वाली, हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 से π/3, पहले जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो 0 से π/3 बनेगी, दूसरी बनेगी π/3 से π/2, वो इसकी कर्व की लिमिट्स बनेगी। उसी तरह लिमिट हमारे पास आ गई हैं, अब हमने क्या किया, ये फार्मूला लगाया 1/2, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया 1/2 r1² + r2², ठीक हो गया। अब ये है एक साइड के लिए, अब हमने दोनों साइड के लिए फाइंड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे कैंसिल, तो शुरू में हम इसको 2 को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बाकी हमारे पास ये कर्व बन जाएगी। इधर आ जाएगा इसका स्केयर लेंगे 1 cos θ का स्केयर, यह आ जाएगा इधर 6 का स्केयर लेंगे 36, cos का स्केयर लेंगे तो cos²θ बन जाएगा। अब इसके a+b वाला फार्मूला ओपन करेंगे, ये 4 बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 cos²θ + 2 cos θ, ये cos²θ जब लिखेंगे 1 cos²θ ओवर 2 डबल एंगल फार्मूला, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ बन जाएगी, ये 2 टाइम कैंसिल होगा तो 18 आ जाएगा, 18 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको इस cos² को चेंज करेंगे, फिर आगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये cos² जब लिखा 1 cos²θ/2, बाकी सारी वैल्यूज हमने उसी तरह लिखी हुई हैं, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इससे इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को cos²θ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos²θ हो जाएगा, आगे 8 cos θ उसी तरह आ जाएगा और ये वाली वैल्यू भी इसी तरह आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 6θ, 2 cos²θ की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 sin²θ/2, 8 cos θ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 8 sin θ, और ये लिमिट 0 से π/3। सिमिलरली 18 की आ जाएगी 18θ, और 18 cos²θ की इंटीग्रेशन हो जाएगी 18 sin²θ/2, और लिमिट दोनों की लगा दी। अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, पहले
पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी जीरो हो जाएंगी, तो लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट ही पुट करते हैं इसमें। अपर लिमिट पुट करेंगे 6π/3 प्लस साइन 2π/3 प्लस 8sin π/3 प्लस, इधर अपर लिमिट भी पुट होगी लोअर लिमिट भी पुट होगी, 18π/2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 रह जाएगा, 9sin 2π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है, 18π/3 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9sin 2π/3 9sin 2π/3 लिमिट दोनों की हमने पुट कर दी है। अब sin 2π/3 ये वाला मैंने तो लिख लिया, 18sin π/3 ये मैंने तो लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9π, ये 9π इधर आ गया, 9sin 2π/2 ये सारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पाई रह जाएगा ना, साइन पाई ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इधर आके आ जाएगा माइनस 18π/3, इस 3 टाइम कैंसिल करेंगे तो -6π आ जाएगा, ये मैंने तो लिख लिया, ठीक हो गया। और ये -sin 2π/3 ये मैंने तो लिख लिया, और ये जो दोनों को कैंसिल करेंगे 2π शुरू वाला ये मैंने तो लिख लिया। अब इसको देखें, पाई वाली हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 9π प्लस 2π 11π, 11 - 6π कितना हो जाएगा 5π, ये मैंने तो लिख लिया, ये वाली वैल्यू वो भी इसी तरह नीचे आ गई। अब बात आ जाती है sin 2π/3 की, sin 2π/3 हमारे पास वैल्यू आती है √3/2, 18√3/2, अब ये 8 है ये 1 है, दोनों को प्लस करेंगे 9√3/2 हो जाएगा, और ये -9√3/2 दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा 5π आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, यानी कि हमने क्या काम किया, हमने कॉमन एरिया फाइंड किया, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया कॉमन प्लस करके इनको इंटीग्रेट कर दिया जी। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 38 थी।